2,500 रुपए लगेंगे, आपके वाइफ की रिपोर्ट निकलवा देते हैं हम। जयपुर के राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस यानी RUHS के स्टाफ पर एक दंपति से कोरोना की जांच रिपोर्ट देने की एवज में 2,500 रुपए मांगने का आरोप लगा है। इन्होंने कहा भाई मेरी वाइफ प्रेग्नेंट है, 8वां महीना लग रहा है, 7वां 8वां, तो आप इनकी भी निकलवा दीजिए, कल कोई दिक्कत हो। और आपने साफ इनकार कर दिया, इन्होंने मना कर दिया भाई डिलीवरी की कोई सुविधा नहीं है, तो आप रिलीज कर दो यहाँ से। तो एक चपरासी सा आया, उसने बोला ठीक है मैं बात करता हूँ, बाद में फोन लगा के यूँ कहने, 2,500 रुपए लगेंगे, आपकी वाइफ की रिपोर्ट निकलवा देते हैं हम। मैं पैसा नहीं दे सकता, अगर मैं पैसा दे देता तुम्हें तो मैं यहाँ सरकारी अस्पताल में इलाज थोड़ी कराता, तेरी बच्ची का प्राइवेट में करा लेता। गुलाम मोहम्मद नाम के इस शख्स की 5 साल की बेटी के हाथ में फ्रैक्चर हो गया था, जिसका इलाज कराने वो 31 मई को सवाई मानसिंह अस्पताल पहुंचे थे। यहां डॉक्टर्स ने बच्ची के हाथ में कच्चा प्लास्टर तो चढ़ा दिया, लेकिन बच्ची का कोरोना टेस्ट कराने की बात कही। रात 2 बजे बच्ची का सैंपल लिया गया और अगले ही दिन बच्ची की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। इसके बाद बच्ची और उसके माता पिता को RUHS में शिफ्ट कर दिया गया। 4 दिन बाद बच्ची का दोबारा कोरोना टेस्ट हुआ और इस बार रिपोर्ट नेगेटिव आई, लेकिन उसके बाद भी गुलाम मोहम्मद अपनी बच्ची के इलाज के लिए अभी तक भटक रहे हैं। पिछले 10 दिनों में गुलाम मोहम्मद और उनके परिवार पर क्या बीती, खुद सुनिए उनकी जुबानी। इसका हाथ फ्रैक्चर हो गया था, कोहनी की हड्डी टूट गई थी, तो उसकी वजह से मैं इसको अस्पताल SMS लेके गया था, ट्रॉमा सेंटर। ट्रॉमा सेंटर ले जाने के बाद में इसका ऑपरेशन के लिए बोल दिया था डॉक्टरों ने, ऑपरेशन तो उन्होंने किया नहीं, लेकिन उन्होंने जो है कच्चा फट्टा चढ़ाने के बाद में मेरे को बोलते हैं कि इसकी जांचें वगैरह आएंगी, कोरोना का कोई सैंपल नहीं लिया। उसके बाद में जो है इन्होंने रात को 2 बजे इसका कोरोना का सैंपल लिया, तो दूसरे दिन 24 घंटे के बाद इसकी कोरोना का सैंपल में जो है पॉजिटिव आई, तो इन्होंने बताया नहीं किसी को, भाई उनको पता नहीं था। मैंने उनको खुद को फ़ोन करके पूछा, मैंने कहा मेरी बच्ची का क्या हाल, बोला अभी रिपोर्ट आई नहीं, रिपोर्ट आएगी जब इलाज करेंगे। वहाँ से लेके मैं उनको जो है मेरे को अपने ये RUHS की जो बिल्डिंग है इसके अंदर लाके क्वारंटाइन कर दिया। उसको भी मैंने इनसे कहा भाई साहब हमारी भी जांच ले लो, क्योंकि हो सकता है हम भी पॉजिटिव हो जाएं, क्योंकि हम 12-13 घंटे से बच्चे के साथ में 3 दिन से रेगुलर ही इसके संपर्क में है बच्चे के, तो हो सकता है हमारे भी हो जाए, तो आप हमारी भी जाँच करो। उन्होंने कहा बोला आपकी जाँच नहीं होगी, मैंने कहा ठीक है सर अगर हमारी जाँच नहीं होगी तो कोई बात नहीं। फिर ले जाके इन्होंने हमें क्वारंटाइन कर दिया। 5 तारीख को हमारी बच्ची का सैंपल लिया, 6 तारीख को उसकी रिपोर्ट आई, रिपोर्ट भी मेरे को एक डॉक्टर ने फोन पे बताया कि आपकी बच्ची नेगेटिव है।